नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सीजन और ये मूवी आपको किस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन जिसे इसका फ्रांसीसी शीर्षक ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है एक विज्ञान कथा थ्रिलर फिल्म है जो दर्शकों को ब्लॉकबास्टरों जन अंजद घिरे की डाल देती है नेटफ्लिक्स पर 2021 में रिलीज हुई ये फ्रांसीसी भाषा की फिल्म निर्देशक और निर्माता एलेक्जेंडर आजा के दिमाग के ऊपर उजरते हैं जो क्रिस्टी बेलकॉक की एक क्रिस्त पर काम कर रही है ये अमेरिकी और फ्रांसीसी स्टूडियो के बीच ही उससे उत्पादक है फिल्म में में लॉरेंस की की एक एक ऐसी महिला भूमिका जो भयावह स्थिति जागती है ये जनों के पार्ट में अंदर फंस गई है उसे कुछ भी याद नहीं है ये वो वहां कैसे पहुंची जैसे कि ये पर्याप्त नहीं था ऑक्सीजन की पूर्ति जैसे ही कम हो रही थी समय समाप्त होते और घबराहट बढ़ते के साथ उसे न केवल पार्ट से बचने का रास्ता खोजना होगा, बल्कि में के साथ की मौलिक चिंदी भी है फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और उसके अनूठे आधार और माहौल के साथ ये निश्चित रूप से आपको अपनी सीटों से बांधे रखेंगे दो हजार इक्कीस साइंस फिक्सन थ्रिल

कैसे पहुंची उसे जल्द ही एक ऐसी अधिक गंभीर खतरे का पता चलता है ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से कम हो जाता है जब मिल मिलो नामक ए आई प्रणाली के माध्यम से दुनिया से संपर्क करते थे प्रकाश करती है तो घबराहट फैल जाती है और गूंजते पल के साथ हवा डालते बी जाती है जिसमें लीज को समय के वित्तीय जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है उसे न केवल इस समस्या के बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है बल्कि उसे उसके भूले हुए अतीत के को भी जोड़ना होगा ताकि ये समझ सके कि उसकी भयावह का कारण क्या था। जैसे से गहराई से उद्देश्य के के ताकतों पर सवाल उठता है ये क्लासिकटिक थ्रिलर और आपको अपने सीट से बांधे रखने क्योंकि लीज अस्तित्व और सच्चाई के लिए लड़ती है दो साइंस फिक्सन एक्शन ऑक्सीजन के गेंद का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है ये एलिजाबेथ की भूमिका निभाते जो एक ऐसी महिला के जो खुद को एक स्थिति में फंसा हुआ पाते हैं बिना याददाश्त के जगने और क्रायोजेनिक के 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 पार्ट के अंदर फंसने बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एक हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने बालों के क्षेत्र में जाएंगे बेनिदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आइए मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर निर्मित आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की वर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक एलिजाबेथ के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स लीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संयावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी विनिष्ट संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सी को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म बदलाव जो उसके सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनारे पर बैठी थी उसकी पीठ शहर की ओर थी उसके केंद्रों पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के प्रदेशों उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल, पल तो पल तूफानी तुम दूसरे के में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे। मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फुसफुसाहट के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे कहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भर दिख देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने अनकई सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन, दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहुतों को उग्र नलिमा को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों के अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज बहुमुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह के देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लारा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो गिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्तरों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान के नहीं मिटे कभी कभी उसकी आंखों में एक क्लारा दिखाई देता है जो रक्षकों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम जबी पास नहीं थे क्लारा वो फुसपूस पुछ लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौद्ध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एक हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण के क्षेत्र में जाएंगे वे एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी की कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के, के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की समय दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी भी संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो सरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सी को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने वेमटन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ फिर शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर त्यांग के प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका ना दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज करकर कश फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भर देता है वे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हानी और महमोग की उसकी आवाज़ और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दिशा शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके मॉलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनेस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि वो हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो गरिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुल्त अपार्टमेंट में दर्शामास्त्रों मास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर तो बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी दुबानी आंखों में एक कलाड़ा बदल दिखाई देता है जो राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक हम हमी पास नहीं थे क्लारा बो फुसूसा लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बोध दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में, में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्तित भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्लाजनिक के पाठ के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण के क्षेत्र में जाएंगे निर्देशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों मिस्टर मिले के दूसरे पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक के इलिजाबेथ की के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की सुहा दर्शकों की रुचि का एक मूल्यायन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी भी संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या एक। हाका को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने वेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ फिर शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेयाक प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कशुस फूसहाट के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भर दी देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी को पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरस्तों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो बो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उलाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी तुम्हारी आंखों में एक कलाड़ा बदल दिखाई देता है जो राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक हम हमी पास नहीं थे क्लारा बो फुस पुछ भूसा लेकिन जो मायने रखा है बो हम यहां से हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो रखती थी जिसमें बो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौंत में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एक एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की वर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हो क्योंकि सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूचित कथा की गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के, के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स लीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संयावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए है इसके पता किसी विनिष्ट संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म बदलाव जो उसके सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनारे पर बैठी थी उसकी पीठ शहर की ओर थी उसके केंद्रों पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को नस्ल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेजों के भर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल, पल तो पल तूफानी तुम दूसरे के में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे स्वीकार किया उसकी आवाज करकर कर फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बढ़ापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भय दिख देता है वे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और मेहमो की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो सांत्वनात्मक मोहित हो गया और जो उसके बहुतों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरस्तों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियो के अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह के देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो गढ़िश्ता खेल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के के दौरान कभी कभी लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम भी पास नहीं थे क्लारा बो फुसफुसाए पुछ लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौद्ध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चिंतित भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवन्त रहने के लिए एक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों, बारे भी भी बरन, भी उनके पात्रों आगी आगी मिस्टर मिले के दूसरे पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक

गुप्त रखा है इसलिए यह जानने के कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की की दर्शकों रुचि का एक संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी विनिष्ठ शखा के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तेरना हुई जिस तरह की बेपुर्णी नदी के सूरज की चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत क्या एकन। बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछे मन शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेज के प्रदेश उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका ना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज करकर कर फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थाई कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भर देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और महमोग की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और टूटे अवसादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांतनु मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उग्र तक मोहित हो गया और वो जो उसके महलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की ज़रूरत होती है क्लार लियोनेस धीरे से जवाब दिया उसका अनूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो गढ़ता खेल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताए उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री भी पास नहीं थे क्लारा वो फुसुसा पुछ है लेकिन जो माने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में बो रखती थी जिसमें बोध दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बोध में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पाठ के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण के क्षेत्र में जाएंगे निर्देशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों मिस्टर मिले के दूसरे पर निमित्त आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संयाविक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए है इसके पता किसी विनिष्ठ संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो शरत तो की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह की बेपूर्णि नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या एक। बंजर हाका को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ जो शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी और तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेजा परिदृश्य उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान करते हुए कि उसे चौका ना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर 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 के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भर दी देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टीम के समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावना व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमता से भरी हुई थी तुम तो मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत कोई प्रतिक्रा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ ंजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उसने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उलाए गए साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान के नहीं मिटे कभी कभी उसकी आंखों में एक दिखाई देता है जो राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो, वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया और उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम भी पास नहीं थे क्लारा वो फुस भूसा लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बोध दोनों को असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बोत में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्रायोजेनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण बिगड़ने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर निमित्त आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के अस्तित्व के, के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स लीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संरोग नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संयावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी विनिष्ट संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो सरदत तो की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित फेस्टिवल सामने देखे वाली लियो। जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले शिभाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की सन अगो क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ फिर शहर की ओर थी उसके केंद्रों पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेज के प्रदेशो भर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान करते हुए कि उसे चौंका दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फूस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भर देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और महमोग की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उग्र सांत्वना तक मोहित हो गया और जो उसके मॉलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरस्तों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों के अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो गढ़िश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की, गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्तरों की बहस करते हुए अगली दोपहर तो बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के के, निशान उसे ने के नहीं एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक हम हमी पास नहीं थे क्लारा बो फुसपूस पुछ लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें वो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरा एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चिंतित भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर निमित्र आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हो क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद हम लोगों एक और जिंदगी की वो चित्त कथा के, के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शकों के जीवित के अस्तित्व के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन इनट्रीस रिलीज थी, इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि एप्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने के कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की की दर्शकों रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी विनिष्ठ शखा के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद शरदों की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह की बेपुर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ मेरे शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेज के उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर 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 के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थाई कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में भरा पा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भर देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और महमोग की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस वो सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट अव्यावादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांतोना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उग्र शांतनुत् तक मोहित हो गया और वो जो उसके बालों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियो की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो बो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की ज़रूरत होती है क्लार लियोनेस धीरे से जवाब दिया उसका अनूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उसके काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्त्रों के बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी तुबहानी आंखों में एक क्लारा बदल दिखाई देता है जो राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री भी पास नहीं थे क्लारा वो फुसफुसाए पुछ लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बोध में मुक्ति की संभावना उज्वल रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण के क्षेत्र में जाएंगे निर्देशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों मिस्टर मिले के दूसरे पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की वर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हो क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूचित कथा की गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के, के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन निर्पृष्ट रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी चूंकि निर्पृष अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संभावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यायन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी भी संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णि नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म बदलाव जो उसके सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनारे पर बैठी थी उसकी पीठ शहर की ओर थी उसके केंद्रों पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेयाक प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे। मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर पृष्ठभूमि आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लिए खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अन शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में भरा पा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गंधुली को भर देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और मेहमो की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंद अनकई सलाह का खाली बाने से दिया है बोस वो सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दिशा शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बुढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती के समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत कोई प्रतिक्रा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अनूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फीट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उलाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शामास्त्रों मास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान के नहीं मिटे कभी कभी उसकी आंखों में एक दिखाई देता है जो राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक हम हमी पास नहीं थे क्लारा बो फुस पुछ है लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहां से हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बोध दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौध में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्रायोजेनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू

सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के अस्तित्व के, के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संभावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी विनिष्ठ संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर साथ तो तो सरद तो की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णि नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ मेरे शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेयाक प्रदेशों भर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका ना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर 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 के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे है शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भय दिख देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने ही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस वो सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दिशा शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बुढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टीम के समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावना व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अनूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फीट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उलाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुलित अपार्टमेंट में दर्शामास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा बदल दिखाई देता है जो ने को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके की थी। समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया और उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री भी पास नहीं थे क्लारा वो फुसूसा पुछ है लेकिन जो माने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बोध दोनों को असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौद्ध में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राइजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मेतु अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संभावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए है इसके पता किसी विनिष्ट संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्ण नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक बदलाव जो उसके सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ मन शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तीयांक प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान करते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फुसफुसाहट के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बढ़ा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निबिड़ संबंध जो जल्द ही धुंधली को भयभीत देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और महमोग की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहुतों को उग्र नलिमा को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरस्तों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों के अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह के देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खेल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी तुम्हारी आंखों में एक क्लारा बदल दिखाई देता है जो उन रक्षकों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम जब भी पास नहीं थे क्लारा बो फुस पुछ लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में बो भक्ति थी जिसमें बो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चिंतित भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्रायोजेनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की बदली उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी पुरक्षित कथा की गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक एलिजाबेथ के, के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स लीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की समय दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए इसके बता किसी विनिष्ठ संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ मनु शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनक है शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भर देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हानि और महमोग की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आबादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उग्र सांत्वना तक मोहित हो गया और वो जो उसके मोहल्लों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज बहुमुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनेस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उसने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बुकुल्द अपार्टमेंट में दर्शा मास्तरों के बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी तुम्हारी आंखों में एक क्लारा बदल दिखाई देता है जो उन राक्षकों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टुटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक हम हमारी पास नहीं थे क्लारा वो फुसुसाए लेकिन जो माने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बोध दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राइजनिक के पाठ के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बेनिदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर निर्मित आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की वर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हो क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के, के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक एलिजाबेथ के अस्तित्व के, के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी चूंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की समय दर्शकों की रुचि का एक मूल्यायन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी भी संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या हाका को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमटन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ फिर शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका ना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर 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 के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे है शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भय दिख देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दिशा शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को के समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावना व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह के देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतज्ञा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो खेल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच चुलाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शामास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताए उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान के नहीं राक्षसों को याद दिलाता है साथ उनके की थी। समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम जबी पास नहीं थे क्लारा वो फुसूसा पुछ है लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो रखती थी जिसमें बोध दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरा एक नाजुक आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्लाजनिक के पार्ट के अंदर

रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की गुणकरण की वर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी पोचित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक एलिजाबेथ के अस्तित्व की के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की संभावक दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी विनिष्ट संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर तो सड़क तत्व की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सी को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक बदलाव जो उसके सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ मेरे शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के भर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फुस फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भर दी देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और मेहमो की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उग्र सांत्वना तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियो की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह के देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो बो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लान लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी दुबहानी आंखों में एक क्लारा बदल दिखाई देता है जो उन रक्षकों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम जब भी पास नहीं थे क्लारा बो फुसफुसाए पुछ लेकिन जो मायने रखा है वो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें वो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चिंतित भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर निमित आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की बदली उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी पुरक्षित कथा की गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक के एलिजाबेथ की के, अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की समय दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी विनिष्ठ संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या एक को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछे मेरे शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेज के उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान करते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज करकर कर फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे कहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भय दिख देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और मेहमो की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस वो सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन, दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आबादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उग्र सांत्वना तक मोहित हो गया और जो उसके मोहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरस्तों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच चुराए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बुकुल्द अपार्टमेंट में दर्शा की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के के निशान अशीनों के नहीं मिटे। कभी कल कभी राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके की थी। समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़ी आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम भी पास नहीं थे क्लारा वो फुसुसा लेकिन जो माने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो रखती थी जिसमें बो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राइजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में आ जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर निर्मित आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी भूषित कथा के, के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के अस्तित्व के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटप्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की समय दर्शकों की रुचि का एक मूल्यायन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी विनिष्ठ संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो सरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म बदलाव जो उसके सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमटन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीठ शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंका दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फुस फुसहाट के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे कहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भय देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस वो सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दिशा शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टीम सरस्तों के, समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावना व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बहुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्ञा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनेस धीरे से जवाब दिया उसका अनूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बो हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामो को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुलित अपार्टमेंट में दर्शा की के बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत के निशान के नहीं राक्षसों को याद दिलाता है साथ उनके की थी। समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री भी पास नहीं थे क्लारा बो फुसुसा पुछ है लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहां से हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में बो भक्ति थी जिसमें बोध दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आसानी ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बोध में मुक्ति की संभावना और रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्लाजनिक के पार्ट के अंदर

गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने कि हम निश्चित का, का एक ऑक्सीजन को आमतौर पर अंक प्राप्त हुए इसके पता किसी विनिष्ट कंखा के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरदों की घंटी हवा में उसके चेहरे के ओर घूम रहे थे एक घोषित पेशेवर सामने देखे वाली जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तुलना हुई जिस तरह के बेपुर्णी नदी के सूरज की रोशनी थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर हाका को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने वेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ फिर शहर की ओर थी उसके केंद्र पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के भर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल पंतकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल, पल तो पल तूफानी तुम दूसरे के में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे। मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज करकर से फुसफुसाहट के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुके शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे कहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कद, कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध जो जल्द ही गधूली को भर दी देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात की उसकी आवाज हनी और मेहमो की एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चन अनकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुंज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी के पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके बहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियो के अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लारा उसने कहा उसने आवाज आवाज ममुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लारा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी जरूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लान लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खेल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फीट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की, गुलजार फेंके के बीच चुराए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकलित अपार्टमेंट में दर्शा मास्तरों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताई उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी

पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम भी पास नहीं थे क्लारा बो फुस पुछ लेकिन जो मायने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहाँ जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपको साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो रखती थी जिसमें वो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौन्द मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चिंतित भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्रीय भूमिका में मैथ्यू अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण बिगड़ने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशा के करण की बदली उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी पुरक्षित कथा की गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक एलिजाबेथ के अस्तित्व की लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन और नेटफ्लिक्स लीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की समय दर्शकों की रुचि का एक मूल्यायपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी विनिष्ट संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या हाका को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ दरअसल शहर की ओर थी उसके केंद्रों पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर विचारों के प्रदेश उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थे मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज़ करकर कर फूस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे कहे शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में बरापा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भर देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन, दिनों में कुछ एक दृश्य शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके मौलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिमटिमाती सरसों के समुद्र के तत्वील होने लगा तो बोलियों की अपनी भावना व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बमुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह की देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी नज़र शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनस धीरे से जवाब दिया उसका अंगूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बोस हो सकता है कि तुम उतने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच उड़ाए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बकुलित अपार्टमेंट में दर्शा की बहस करते हुए अगली दोपहर तो बिताए उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी क्लारा के अतीत का निशानों के समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो वो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी को नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री हम जब भी पास नहीं थे क्लारा वो फुस फूस लेकिन जो माने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूंगा उसके शब्दों में वो भक्ति थी जिसमें बो दोनों के असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौन्द मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्राइजनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए एकताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू मलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण बिगड़ने वालों के क्षेत्र में जाएंगे एलिजाबेथ के के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों मिस्टर मिले के दूसरे पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बदली उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हो क्योंकि वो सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद अमलौकिक और जिंदगी पुरुषित कथा की के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शक इलिजाबेथ के, के अस्तित्व के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लड़ते हैं ऑक्सीजन नेटफ्लिक्स रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी चूंकि नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों की संख्या गुप्त रखा है इसलिए यह जानने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है कि वास्तव में कितने लोगों ने इसे देखा हालांकि हम निश्चित रूप से न्याय और मायावी के इसके स्वागत का अनुमान लगा सकते हैं आलोचना की सुमयाओं दर्शकों की रुचि का एक मूल्यायन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं इसके पता किसी भी संख्या के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्णी नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली सी भाषाओं को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर को लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हुआ कर्जा की एक चिंगारी हवा में फूटी सर की लय में एक सूक्ष्म सपनों से सीन एक समान कंपन के साथ गूंज उठा वो पुल के आंधे रास्ते पर पहुंच गया उसके सामने मेमट्टन का दृश्य फैला हुआ था लाल रंग की एक चमक की उसकी आंखों की पकड़ लिया एक महिला अनिश्चित रूप से बिल्कुल किनार पर बैठी थी उसकी पीछ दरअसल की ओर थी उसके केन्द्रों पर एक एक कैनवास बैग लटका हुआ था लियो को दरअसल फैल गई एक उसकी ओर तेजी से बढ़ा उसके दिमाग पर तेयाक प्रदेशो उभर रहे थे उसके पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका उस बात का ध्यान देते हुए कि उसे चौंकाना दे उसके उग्र लाल पल बंदकोट के पत्तों रंग उसके पीठ पर लटक रहे थे जिसमें एक ऐसा चेहरा तैयार हो रहा था जो गहरे दुख से भरा हुआ लग रहा था अरे उसने कहा शुरू किया उसकी आवाज़ धीमी थी क्या सब कुछ ठीक है वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में तूफानी बदलों का रंग दिख गया था एक बल पल तूफानी तुम तो दूसरे के पल में जिंदगी और चिंगारी की भरी हुई थी मैं मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया उसकी आवाज कर कर फुस के साथ ही एक पल के लिए बेसमय के साथ रुकी शहर के पहाड़ के एकमात्र पृष्ठभूमि थी आमतौर पर शब्दों का भंडार रखने वाले लियो ने खुद को अजीब तरह से आवाज़ पाया ऐसा लगा मानो हवा अनकहे है शब्दों समझा भावनाओं से गूंज उठी है आखिरकार उसने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया मेरा नाम लियो है उसने हाथ में भरा दिया और शायद हम उसके बारे में कर सकते हैं और स्पर्श ने लियो के माध्यम से एक झटका भेजा सर की रोशनी के रूप में एक निर्विवाद संबंध हो जो जल्द ही गधूली को भय दिख देता है वे किनारे के पीछे हट गए और उन्हें पास की एक बेंच पर शरण मिल गया जैसे ही कलर को बात आवाज की की उसकी आवाज़ हनी और एक मार्मिक कहानी बुन रही थी लियो ने ध्यान से सुना उन्होंने चंदकही सलाह का खाली बाने से दिया है बोस सब सुनता रहा उसके दिल में उसका दुर्द गुज उठा अगले दिन दिनों में कुछ एक दिशा शक्ति का चीख एक पुल पर निर्मित रूप से मिलते हैं क्लारा एक बढ़ती हुई लेखिका को लियो और अटूट आवासवादी का पारंपरिक शब्दों को देखने की उसकी क्षमता का सांत्वना मिली वो बदले में उसकी गहराई उसकी उगड़ो तक मोहित हो गया और जो उसके मोहलों को उग्र नलिमाओं को प्रतिबंधित करती थी एक ठंडी शाम में जब उन्हें शहर को टिम के समुद्र के तत्वील होने लगा तो हो अपनी की अपनी भावनाएं व्यक्त की क्लोरा उसने कहा उसने आवाज आवाज बहुता से भरी हुई थी तुम मुझे दुनिया को अलग तरह के देखने पर मजबूर करती हो तुम मेरी पागल पहली या खोया हुआ हिस्सा हो क्लोरा ने तुरंत कोई प्रतिक्ञा नहीं दी उसकी नजर शहर में दृश्यों पर टिकी हुई थी उसका साथ अनजाने में उसके हाथ पर पहुंच रहा था जब वो बो आखिरकार बोले तो उसकी आवाज में घबराहट की झलक थी लियो उसने शुरू किया तुम वो जब सब कुछ जिसकी ज़रूरत नहीं चाहती तुम धूप की मूर्ति हो जबकि मैं छाया में अधिक सहज महसूस करती हूँ लेकिन परछाइयों को रोशनी की जरूरत होती है क्लार लियोनेस धीरे से जवाब दिया उसका अनूठा धीरे से उसके अंगूठे को सहला रहा था और हो सकता है कि बो हो सकता है कि तुम उसने काले नहीं हो जितना तुम सोचते हो उनका रिश्ता खिल उठा विरोध धामों को एक बहुत रूपी प्रदर्शक थी जो उसके तरह पूरी तरह से फिट बैठता था, था उन्होंने विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच छुपे हुए बगीचों के खोज की गुलजार फेंके के बीच चुराए गए चुंबन साझा किया और अपने छोटे बुकुल्द अपार्टमेंट में दर्शामास्त्रों की बहस करते हुए अगली दोपहर बिताए उनके दीवारों उनके द्वारा चित्रित सपनों के हिस्सों से घुरी हुई थी फिर भी कलारा के अतीत के निशान निशानों के नहीं मिटे कभी कभी उसकी तुफानी आंखों में एक क्लारा बदल दिखाई देता है जो राक्षसों को याद दिलाता है जिसमें साथ उनके कुर्सी की थी उस समय के दौरान लियो उसका एंकर होता है एट का टूटूट समर्थन एक मौन वादा था कि वो अकेले नहीं था एक शाम लियो के अपार्टमेंट में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच क्लारा ने उसे अंधेरे रहस्यों का कबूल किया जिसने उसे परेशान किया पछतावों से भरा अतीत एक निर्णय जिसमें हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी जैसे ही वो बो, वो बो बोली उसके खिचड़े आंसू को बदल गए हैं कच्ची विधता जो उसने पहले कभी किसी के नहीं दिखाई थी लियो घबराया नहीं उसने उसे अपनी सास खींच लिया उसकी बाहें आरामदायक शास्त्री भी पास नहीं थे क्लारा वो फुसुसा पुछ है लेकिन जो माने रखा है बो उसे हम यहाँ से कहा जाते हैं और मैं बात कहते हैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूँगा उसके शब्दों में बो रखती थी जिसमें असूचकित कर दिया था क्लारा ने कंधों से एक बोझ उतार दिया जिसमें गहरे एक नाजुक आशा ने ले ली लियो ने अंगुलिंगन में बौध में मुक्ति की संभावना उज्जवल रंगों में चित्त भविष्यों पर विश्वास करने लगी बिना याददाश्त के जगने और क्लाजेनिक के पार्ट के अंदर फंसने के बाद एलिजाबेथ का घटती ऑक्सीजन आपूर्ति और जीवंत रहने के लिए हताश लड़ाई का सामना करना पड़ता है लॉरेंस की केंद्र भूमिका में मैथ्यू अमलिक और मलिक जिंदा सहायक है हालांकि उनके पात्रों के बारे में विशिष्ट विवरण करने वालों के क्षेत्र में जाएंगे बे निदेशक एलिजाबेथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके पात्रों आई मिस्टर मिले के दूसरे क्षेत्रों पर आवाज हो सकते हैं जो उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं या शायद उसके भावना में बाधा भी डाल सकते हैं वैकल्पिक रूप से उन घटनाओं से जुड़े हुए सकते हैं एलिजाबेथ की दुर्दशाकरण की बर्दी उनके रास्ते संभावित रूप से किसी तरह से उसे पार कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई को उजागर करते हैं विशिष्टताओं के बावजूद हम और जिंदगी की बोचित कथा के गहराई और साजिश जोड़ते हैं जिसमें दर्शकों के लिए जावेद की अस्तित्व के, के लड़ाई उनकी भागीदारी के बारे में अनुभव लाते हैं ऑक्सीजन अनिटिक रिलीज थी इसलिए उसका पारिवारिक बॉक्स ऑफिस संग्रह नहीं थी क्योंकि एडपिक्स अपने दर्शकों की संख्या रखा है। ये जानने के कोई आधिकारिक है कि वास्तव में अनुमान लगा सकते आलोचना की समयाव दर्शकों की रुचि का एक मूल्यांपन संकेत हो सकता है कि इस मामले में ऑक्सीजन को आमतौर पर सकारात्मक अंक प्राप्त हुए है इसके पता किसी विनिष्ठ कंखा के इंगित नहीं कर सकते जब लोगों के लोकप्रिय ब्रिज पर पर्याप्तों की भीड़ की पार कर रहा था तो शरद ऋतु की घंटी हवा में उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे एक स्वघोषित पेशेवर सामने देखे वाली लियो जो जन्म से सिंह राशि को नहीं हर जगह तिरना हुई जिस तरह के बेपूर्ण नदी के सूरज की रोशनी चमकती थी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सी को शोर और अकेले पत्नी की शांत अगर क्या बंजर शाखा को लेकिन